एक और चॉकलेट डिजर्ट? यस गाइस, आई लाइक चॉकलेट, सू मी। एक्चुअली प्लीज डोंट, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दिस वीक वी आर मेकिंग चॉकलेट मूस। ये बहुत इजी है एंड इट्स प्रोबब्ली वन ऑफ माय फेवरेट डिजर्ट्स ऑफ ऑल टाइम। इसको बनाने में आपको कोई मूसला नहीं होगा। That was a really bad one. Keep watching, मेरे जोक्स बेहतर होंगे, I promise. अपनी branded hoodie को apron से नहीं छुपाते, and let's begin. अब chocolate mousse बनाने के हजार तरीके हैं, लेकिन we'll keep it super super simple. पहले हम एक chocolate base बनाएंगे, फिर हम whipped cream और meringue से इसका texture light और airy करेंगे. That's it, nothing fancy. कोई और सरदर्द करने की जरूरत नहीं है. Let's just stick to the classic. Camera angle 2 के बाल ठीक करें and let's start. एक बोर्ड पर अपनी चॉकलेट रखें and chop it into little pieces. मैं इन वीडियोस में क्रेव की डार्क बेकिंग चॉकलेट यूज करता हूँ क्योंकि मैंने इसका 2 किलो वाला वर्जन खरीदा हुआ है और अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि अगर आपकी चॉकलेट में चीनी बहुत ज्यादा होगी तो आपको इस रेसिपी में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वरना इस्लामाबाद के LGS वाले लड़कों की तरह सस्पिशियसली स्वीट होगा। जब आपकी चॉकलेट चॉप हो जाए तो इसको एक मेटल या ग्लास बाउल में डालें, फिर दो अंडों में से योक्स निकाल कर सेपरेट करें। क्योंकि मैं बहुत डेयरिंग और कूल हूँ, मैं एग शेल से निकालता हूँ, लेकिन यू शुड यूज योर हैंड्स बिकॉज इट्स सेफर। लेकिन बाद में हाथ धोने पड़ते हैं, विच इज़न्ट गुड फॉर मी, क्योंकि हाथ धोने से मेरी कुकिंग का स्पेशल फ्लेवर चला जाता है। फिर एक बाउल में अपनी कॉफी, नमक और कोको पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अगर आपकी अपनी कॉफी नहीं है तो आप डेविड ऑफ भाई की भी यूज कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर द स्टोव। एक बड़े पॉट में पानी डालकर बॉईल करें और उसके ऊपर अपनी चॉकलेट रखें और उसको जेंटली मेल्ट होने दें। ये स्टेप आपने बाकी स्टेप से पहले करना है बिकॉज वी वॉन्ट द चॉकलेट टू कूल डाउन बिफोर वी एड द क्रीम एंड मेरेंग। इसको हर थोड़ी देर बाद स्टर भी करते रहें प्लीज, वरना ये बर्न होना शुरू हो जाएगी। जब ये पूरी मेल्ट हो जाए तो फिर थोड़ा सा पानी डालें और फिर अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स डालकर मिक्स करें और फिर अपनी एग योक्स। पानी ड्राई इंग्रीडियंट्स को मिक्स होने में हेल्प करती है। इसको अग्रेसिवली मिक्स करते रहें फॉर 2 मिनट्स अंटिल ये नाइस एंड स्मूथ हो जाए। हीट बंद कर दें और इसको गर्म चूल्हे पर छोड़ दें। लेट्स मूव ऑन। एक बड़े बोल में अपनी क्रीम डालें और फिर अपनी चीनी। अब व्हिप्ड क्रीम बनाने के बहुत तरीके हैं। मैं एक हैंड मिक्सर यूज करूंगा, लेकिन अगर आपको अपने साथ कोई जाती दुश्मनी है तो आप इसको बाय हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन फेयर वार्निंग, आपका बाजू उतर सकता है। अपनी क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करें एंड कीप गोइंग अंटिल इसका टेक्सचर शेविंग फोम की तरह हो जाए। इसमें आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अगर आप एक लड़की हैं, यू डोंट नो व्हाट शेविंग फोम इज लाइक, तो जाकर खरीदें और अपना फेस शेव करें टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। जस्ट किडिंग, खुदा का वास्ता है, प्लीज डोंट डू दैट। व्हेन यू आर डन, क्रीम को साइड पर कर दें। अपनी विस्क अटैचमेंट्स को अच्छी तरह साफ करें बिफोर मूविंग ऑन। उस्ताद एडम रगुसिया ने बताया था कि इवन अ ड्रॉप ऑफ फैट इन एग वाइट्स इनका टेक्सचर खराब करेंगी, तो बी केयरफुल। जो विस्क अटैचमेंट्स बिल्कुल साफ हो जाए तो स्टार्ट विस्किंग योर एग वाइट्स। इनको व्हिप करते रहें अंटिल इनकी सॉफ्ट पीक्स बन जाए। देखिए ऊपर से क्यूट से जो ड्रूप हो रहा है, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अब असेंबली टाइम आ गया। डोंट वरी, आपको कौमी तराना पड़ने की जरूरत नहीं है। चॉकलेट बेस के अंदर अपनी व्हिप क्रीम का एक चम्मच डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर बाकी व्हिप क्रीम डालें और जेंटली फोल्ड करें। टू बी ऑनेस्ट, आप इसको नॉर्मली भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन नई शादी की तरह मैं चॉकलेट मूस के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। जब ये फुली इनकॉर्पोरेट हो जाए तो अपनी एग वाइट्स एक एक चम्मच डालकर फोल्ड इन करें। एंड दैट्स प्रीटी मच इट यार, वी आर डन। अब हमने इसको किसी भी फैंसी ग्लास कप या बोल में डालना है ताकि इट लुक्स गुड फॉर द थंबनेल। आप इसको एक मग में भी डाल सकते हैं, और अगर आप बहुत ही मलंग टाइप हैं तो इस बोल में ही इसको ठंडा कर लें और इसके बीच में से खाएं। यू विल बी माय बेस्ट फ्रेंड इफ यू डू दिस बाय द वे। बहुत केयरफुली अपनी मूस को अपने वेसल ऑफ चॉइस में ट्रांसफर करें। इस पर मैं कोई टॉपिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं घर में अकेला हूं और मुझे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई गेस्ट नहीं आ रहे और आप फिर भी अपनी डिशेस को इतना फैंसी करते हैं तो यू आर सोशियोपैथ। अपने प्रिपेयर्ड मूस कप्स को फ्रिज में रख दें फॉर अराउंड 4 आवर्स एंड अप टू ओवरनाइट। लेफ्ट ओवर मूस का बोल लें और उसको छुपकर जमीन पर बैठकर खाएं व्हाइल एवैल्यूएटिंग ऑल योर लाइफ मिस्टेक्स, क्योंकि दिस टेस्ट इनक्रेडिबली गुड। ये मजाक था, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर सपोज टू बी प्रोफेशनल, बट दिस स्टिल टेस्ट फिनोमिनल। खाने के बाद अपना मूस साफ कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जब तक ये सेट हो रही है आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लें। एक सेकंड लगेगा बस। ये मेरे अकाउंट डिटेल्स हैं, प्लीज इस पर मुझे 1,000-2,000 भिजवा दें, और अगर आप अच्छे मूड में तो 2-3 करोड़। थैंक यू। टाइम होने के बाद अपनी मूस को निकालें एंड दैट्स इट। प्लेटिंग या कपिंग हम इसकी पहले से कर चुके हैं। अगला स्टेप आप गेस कर सकते हैं आई थिंक। एक छोटा चमचा लें एंड इट्स टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट। जस्ट लुक एट दिस टेक्सचर यार, इट्स सीरियसली अमेजिंग। It has a super rich chocolatey flavor और इसका texture is just incredible. Light, airy, लेकिन फिर भी comfortably dense. This is unbelievably good. ये dessert बहुत easy है, it's super simple to prep और मैं guarantee करता हूँ ये सबको पसंद आएगा। और अगर किसी को ना पसंद आए तो मेरे से अपने 2 करोड़ वापस ले लें।